प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका पैलेंटोलॉजी का पेपर ब्रैकियोपोडा। जैसे कि इससे पहले आप कई सारे और फॉसिल्स के बारे में बात कर चुके हैं, आप फॉसिल्स के प्रिजर्वेशंस की बात कर चुके हैं कि कैसे फॉसिल प्रिजर्व होता है, आप इंडेक्स फॉसिल्स की बात कर चुके हैं और आपने फोरामिनिफेरा के बारे में पढ़ा, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ब्रैकियोपोडा फाइलम है। ये जो ब्रैकियोपोड्स होते हैं, ये ब्रैकियोपोड्स, इनका जो शरीर है वो एक सेल से मिलके बनता है, शेल यानी उसको कवच कहते हैं, हिंदी में आप उसको बोलते हैं कवच। हार्ड पार्ट यानी ब्रैकियोपोड्स के शरीर का जो हार्ड पार्ट है वो शेल कहलाता है, या उसको आप कवच कहते हैं, शेल शेल का बना होता है कवच। और इसमें इसका जो शेल है, जो कवच है, वो बाइवाल्विया है, यानी दो कपाट होते हैं उसमें, दो कवच यानी कि दो असमान कवचों से मिलकर वो बनता है, दो कपाटों से मिलकर बनता है। जो एक बड़ा वाला होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको आप कहते हैं अधर कपाट या वेंट्रल वाल वाल, और एक होता है पृष्ठीय कपाट या उसको आप डोर्सल वाल उसको आप कहते हैं, यानी कि दो बार होते हैं ब्रैकियोपोड्स में, एक वेंट्रल और दूसरा डॉर्सल। और इनके ऊपर चोंच की तरह, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक बीक की तरह, चोंच की तरह एक संरचना बाहर निकली रहती है, उसको हम कहते हैं ककुद या अंबो, यानी वो संरचना अंबो कहलाती है। ये डोर्सल, ये वेंट्रल, और ये एक संरचना बाहर निकली होती है बी चोंच की तरह, उसको अंबो कहते हैं। और इन दोनों के एडजॉइनिंग एक ओपन स्पेस होता है, एक द्वारक जिसको बोलते हैं, द्वार होता है उसको आप पेडिकल ओपनिंग या भ्रंतक द्वार कहते हैं। और इसी पेडिकल ओपनिंग की वजह से, इसी भ्रंतक द्वार से वो किसी भी बेस पे ये ब्रैकियोपोड्स ये चिपके रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ब्रैकियोपोड्स को, आपने यदि देखा भी होगा, जैसे घोंघा होता है या सीप होती है, उससे मिलते जुलते कुछ आकृति के ये फॉसिल्स जीवाश्म जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और इन दोनों बाल को जोड़ने वाली जो लाइंस हैं वो कॉर्डिनल मार्जिन या हिंज लाइन के नाम से वो जानी जाती है, कॉर्डिनल मार्जिन या हिंज लाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। और जो पेडिकल ओपनिंग है, इस पेडिकल ओपनिंग की सहायता से वो किसी भी बेस से चिपका हुआ रहता है, और दोनों भाग जिस सॉकेट से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, टीथ या सॉकेट से जुड़े हुए होते हैं, उस लाइन को आप हिंज लाइन या हिंज रेखा या कॉर्डिनल मार्जिन के नाम से आप उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि ब्रैकियोपोड्स समुद्र के तलों में रहने वाले वे प्राणी हैं, या वे उन प्राणियों के जीवाश्म हैं जो समुद्र के तल में रहने वाले, जो जिनका शरीर एक हार्ड पार्ट कवच या शेल से मिलकर बना होता है, और जिसमें दो होते हैं, एक बड़ा होता है एक थोड़ा छोटा होता है, बड़ा वाला जो है वो वेंट्रल पार्ट कहलाता है, छोटा वाला जो है वो डोर्सल या पृष्ठीय भाग कहलाता है। और दोनों कपाटों के पीछे की ओर एक चोंचनुमा संरचना निकली रहती है जिसे अंबो या कुकुद कहते हैं।
और अदर कपाट या जो वेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और पृष्ठीय कपाट या जो आपका डोर्सल वाल्व है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और इनके नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको आप पेडिकल ओपनिंग या वृंतक द्वार कहते हैं, और इसी पेडिकल ओपनिंग से ये किसी भी बेस से ये चिपका रहता है, जुड़ा जुड़ा हुआ रहता है, और दोनों वाल जिस मार्जिन के साथ साथ टीथ या सॉकेट्स की सहायता से जुड़े रहते हैं उसको आप हिंज लाइन या हिंज रेखा के नाम से उसको समझते हैं, उसको आप जानते हैं। अब यदि हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करें, तो देखिए ये यहाँ हमने वर्गीकरण लिखा है, इसमें देखिए फाइलम तो वही ब्रैचियोपोडा हो गया, और इसकी क्लास है, दो क्लास पाई जाती है इसमें, एक इन आर्टिकुलाटा और दूसरी आर्टिकुलाटा, यानी एक अदंती जिसमें टीथ नहीं होते और एक आर्टिकुलाटा दंती जिसमें टीथ पाए जाते हैं। तो इसकी दो क्लास है, एक इन आर्टिकुलाटा और दूसरी आर्टिकुलाटा। फिर इन आर्टिकुलाटा के दो ऑर्डर हैं, दो गण हैं इसके, एक का नाम है एट्रिमाटा और दूसरा है नियोट्रिमाटा। इसी तरह से आर्टिकुलाटा क्लास की के भी दो ऑर्डर हैं, एक का नाम है प्रोट्रोमाटा और दूसरा है किलोट्रिमाटा। तो इस प्रकार ये इसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। अब हम थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, इसकी आकारिकी की बात करेंगे, या इसकी जो शारीरिक रचना है हम उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो इनका जो शेल है, जो वाल्व है, डोर्सल और वेंट्रल जो वाल्व है उसकी एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या है, उसके उसका जो बाहरी शारीरिक जो रचना है किसी भी ब्रैकियोपोड्स की वो कैसी है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें। और उसमें हम इसको जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है इसको आप दो तरह से डिवाइड करके इसको आप समझ सकते हैं, एक जो पार्ट है इसका उसको आप ऑर्नामेंटेशन से समझ सकते हैं, ऑर्नामेंटेशन यानी अलंकरण, अलंकरण यानी कि इसमें ये देखने में ये किस तरह की लगती है, इनमें किस तरह की जो लाइनिंग है, इनके जो शेल है, जो कवच है, इनमें किस प्रकार की लाइनिंग दिखाई देती है उसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे। तो ब्रैकियोपोड्स के जो कवच हैं वे चिकने होते हैं, जिनके अलंकरण अर्थात जो उनके ऊपर जो रेखाएं हैं वे दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो कहलाती है कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक और दूसरी रेडियल, यानी सकेंद्रीय और अरीय, दो तरह की ऑर्नामेंटेशन जो है वो आपको इसमें दिखाई देती है। जो कंसेंट्रिक ऑर्नामेंटेशन है उसकी अपेक्षा जो रेडियल ऑर्नामेंटेशन है वो ब्रैकियोपोड्स के अभिनिर्धारण में अधिक सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है, जैसे स्पिरिफर, इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो, इसी फिर स्पिरिफर का स्पिरिफर जो है वो रेडियल कंसेंट्रेशन होता है, इस तरह से ये इसके आप अलंकरण समझ सकते हो। फिर है हिंज लाइन, हिंज लाइन में जो वेंट्रल वाल्व और डोर्सल वाल्व जिस मार्जिन द्वारा या जिस रेखा द्वारा टीथ और सॉकेट्स की सहायता से जुड़े रहते हैं उसको आप हिंज लाइन कहते हैं, और ये जो ब्रैकियोपोड आर्टिकुलेट और जो आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड्स हैं और जो पेशियों तथा वेंट्रल द्वारा जुड़े रहे होते हैं उन्हें इन आर्टिकुलेट्स कहते हैं। जो ब्रैकियोपोड सॉकेट्स या टीथ के सहायता से जुड़े होते हैं वे तो आर्टिकुलेट यानी दंती ब्रैकियोपोड कहलाते हैं, और जो मसल्स के द्वारा या पेशियों के द्वारा
जुड़े हो तो आप उनको आर्टिकुलेट ब्रैकेट की श्रेणी में आप इसको रखते हैं। इसी तरह से जब हम इंटरनल करेक्टर्स की बात करेंगे, उनके आंतरिक संरचनाओं की हम यदि बात करें तो वेंट्रल वाल्व के लिए आप कहेंगे कि जो वेंट्रल वाल्व का सबसे सामान्य लक्षण उनमें पाए जाने वाली एक मध्य पट्टिका है जिसको मीडियन सेप्टम कहते हैं, वो है जो पश्च भाग से प्रारंभ होकर उस वाल्व के सेंटर तक जाती है, और कुछ वेंट्रल वाल्व में जो हिंज लाइन के मध्य भाग में नीचे एक अवतल आकार की एक पट्टिका होती है जिसे स्पॉन्डिलियम कहते हैं, उसको आप स्पॉन्डिलियम के नाम से आपको जानते हैं, उसको आप स्पॉन्डिलियम कहते हैं। इसी तरह से जो डोर्सल वाल्व है, डोर्सल वाल्व की जो बीक है उसके नजदीक सॉकेट्स के बीच में स्थित आगे की ओर एक हिंज प्रवर्त होता है जो कपाटों को खोलने में सहायक होता है, और हिंज प्रवर्त के नीचे एक हिंज सेप्टम होता है जिससे कोरा एक हुक द्वारा जुड़ा होता है, और इस पृष्ठीय कपाट में या डोर्सल वाल में कैल्शियम युक्त पट्टीदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे ब्रैकिडियम या बहुकंकाल यानी ब्रैकियल स्केलेटन भी आपको बहुकंकाल या ब्रैकियल स्केलेटन कहते हैं। इसी प्रकार से इंटरनल करेक्टर्स की यदि हम बात करें ब्रैकियोपोड्स की, तो आप जो इनका पेशीय तंत्र है, जो मस्कुलेचर है, उसके बारे में कह सकते हैं कि ब्रैकियोपोड के दोनों कपाट पेशियों की सहायता से ही खुलते और बंद होते हैं। जो पेशियां कपाटों को बंद करने में सहायक होती हैं उन्हें अभिवर्तनी पेशियां या एडेक्टर मसल्स कहते हैं, उनको आप एडेक्टर मसल कहते हैं, एडेक्टर मसल्स। पेशियों की सहायता से कपाट खुलते और बंद होते हैं, तो ऐसी पेशियां एडेक्टर मसल्स कहलाती हैं जो कि कपाटों को बंद करने का काम करती हैं, और जो खोलने का काम करती है उनको हम अनावरक पेशियां या डायवेरिकेटर मसल्स कहते हैं। ये तो खोलने का काम करती हैं और ये जो एडेक्टर मसल्स हैं वे कपाट को बंद करने का काम करती है। और जो पेडिकल्स हैं, पेडिकल को संकुचित करने और फैलाने के लिए भी यही पेशियां पाई जाती हैं, यानी कि ये जो पेडिकल ओपनिंग होती है जिससे ये बेस चिपके होते हैं उनको भी संकुचित करने के लिए या फैलाने के लिए ताकि वो बेस को छोड़े या वो बेस से चिपके, उसके लिए भी जो मसल्स हैं मसल्स ही काम करती हैं जिनको पेडिकल एडजस्टर मसल कहते हैं। उसको कहा जाता है पेडिकल एडजस्टर मसल्स, पेडिकल एडजस्टर मसल्स जो कि पेडिकल ओपनिंग्स को खोलने या बंद करने में सहायक होती है। तो ये तो इनकी शारीरिक रचना हो गई। हम थोड़ी सी बात करें इनके जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कि इनका भूवैज्ञानिक वितरण किस प्रकार का होता है, जियोलॉजिकली ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ब्रैकियोपोड पैलियोज़ोइक और सीनियोज़ोइक दोनों इराज में भूताल से पाए जाते हैं, यानी पुराजीवी और मध्यजीवी दोनों कल्पों में ये काफी भूताल से मिलते जाते हैं, और डिवीशन काल में इनका विकास क्रमशः होता रहा तथा सिल्यूरियन टाइम और डेवोनियन काल में ये अपने विकास की चरम स्थिति पर पहुंच गए, और ट्रायसिक पीरियड में स्पीरिफर और सेंटिना जैसे जीवाश्मों के अलावा भी सभी जीवाश्म करीब करीब विलुप्त हो गए, परंतु जुरैसिक टाइम पीरियड में रिंकोलेला और टेरिक्टुटेला नाम के जो जीवाश्म थे वे हमें पाए गए। तो इस प्रकार आपका सीनोजाइक और आपका जो पैलियोज़ोइक टाइम पीरियड है उसमें आपको इनकी मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। थैंक्स।